से आप नहीं, उनका उनका देखो उनका सर्वाइवल का सवाल है, उनको यात्रा करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हुड्डा साहब ने अपने पुत्र मोह के अंदर पूरी कांग्रेस पार्टी पे कब्जा किया हुआ है, उससे जो एसआरके का अस्तित्व है वो खतरे में नजर आ रहा है, और मुझे लगता है कि उनको पूरी मेहनत करनी चाहिए ताकि कांग्रेस में अपने अस्तित्व को बचा सके। उन्हीं के टीम के एक सदस्य आज सिरसा के जो पूर्व सांसद रहे हैं तंवर जी, वो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मैं तो चाहूंगा कि कांग्रेस में जिसके साथ भी अन्याय हो रहा है सबका स्वागत है, भारतीय जनता पार्टी में उनको पूरा सम्मान मिलेगा। और कई बार तो मुझे ये भी लगता है हुड्डा साहब को भी खुद पर विश्वास नहीं है और कांग्रेस हाईकमान पर विश्वास नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि जब एक समय चौधरी भजनलाल के नाम पर कांग्रेस जीतती थी और बाद में हुड्डा साहब को मुख्यमंत्री बना दिया गया था, इस बार उनको भी यही लगता है कि उनकी भी कोशिश है कि कांग्रेस की ज्यादा सीटें ना आ जाए, कम सीटें रहे ताकि वो हाईकमान पर दबाव बना के रखें। उनके मन में ये भाव है, लेकिन ये भी उनके मुंगेरी लाल के सपने हैं, वो सपने इसमें देख रहे हैं। मुझे लगता है अभी कांग्रेस हरियाणा की लड़ाई तो शायद अगली बार 2029 में लड़ेगी, अभी तो वो इन फाइटिंग है उनकी आपस के नेताओं की, एक दूसरे से ऊपर दिखने की होड़ है कि मैं इससे ऊपर दिख जाऊं हाईकमान के आगे। अभी पिछले 5-4 वर्षों में जो अपने संगठन का गठन नहीं कर सके, कुछ नहीं कर सके, और विरोधाभासी बयान आते हैं, एक कोई नियुक्ति होती है दूसरा पक्ष कहता है जी हम इस नियुक्ति को मानते नहीं, इस तरह की इन फाइटिंग है। पहले मुझे लगता है कि उनको बैठ के आपस में वो करें, फिर लोगों के बीच में जाएं।